अवैध बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की लंबे समय से रोक चली आ रही है, जिससे रेती की किल्लत हो गई है। किल्लत से रेती के दाम भी बढ़ गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक का खनन माफियों में कोई असर नहीं दिख रहा। निकट सवाई माधोपुर उपखंड मलारना डूंगर के मुख्य नदियों पर दिन रात अवैध बजरी से खनन हो रहा है। यहाँ खुलेआम धलड्डे से बजरी खनन का कारोबार चल रहा है। प्रशासन फिर भी इन अवैध खनन माफियों पर कोई कार्यवाही नहीं करती। प्रशासन की मिली भगत के कारण बनास नदी के उपखंड मलारना डंगूर मुख्यालय के आदि गांवों की नदियों पर दिन रात अवैध बजरी खनन माफिया बजरी का खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती जरूर है, पर कार्यवाही नहीं करती। बीते कई सालों से इन नदियों का सीना चीरा जा रहा है। बनास नदी की हालत बदतर हो चुकी है। नदियों में 25 फुट 30 फुट खड्डे कर दिए गए हैं। आने वाले समय में इन नदियों का प्रवाह भी गड़बड़ा जाएगा। पुलिस की मिलीभगत बिल्कुल सामने आ रही है। आज भी अनगिनत अवैध वाहन वाले दिन दिहाड़े बेखौफ होकर अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। ट्रैक्टर वाहन पुलिस चौकी और थाना परिसर के आगे से गुजरते हैं। पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी देखती है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है। खनिज विभाग तो मानो कार्यवाही करता ही नहीं है। खनिज विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तो ऑफिस से बाहर निकलते ही नहीं है, जिसके जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से कोसों दूर है। बजरी के वाहन बनास नदी से श्यामोली बिलोली गोखरू मलाना स्टेशन होते हुए मलराना डूंगर थाने के पास से गुजरते हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजरी के वाहन पुलिस की मिली भगत से जाते हैं। जिला प्रशासन यह सब जानते हुए भी मूक दर्शक बना हुआ है। जब प्रशासनिक अधिकारी से मीडिया सवाल करता है तो अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। क्षेत्र में कहीं जगह रेत का कालो कारोबार चल रहा है। रेती के ट्रक डंपर खुलेआम आते हैं, खाली होते हैं। अवैध खनन कर लाई गई रेती बजरी का ढेर जगह जगह दिखाई देता है। चौराहों पर सड़कों पर रेत की ट्रालियां दौड़ती नजर आएंगी। खुलेआम रेत का कारोबार, पुलिस भी मौजूद रहती है, लेकिन रेत माफियों को कोई रोकता टोकता नहीं है। कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कानून का शिकंजा कसने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।